स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आज हम कालम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये पूरे जो टॉपिक है ये कालम और स्ट्रट है। सबसे पहले हम कालम के बारे में पढ़ेंगे। तो कालम जो होता है, दो तरह के कालम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। एक होता है एक्जियली लोडेड कालम एंड दूसरा है एसेंट्रिक लोडिंग कालम। तो सबसे पहले एक्जियली लोडेड कालम के बारे में जानते हैं। तो ए लोड विच इज consist with the centroidal axis of the column is called the axially loaded column। मतलब कि जो है इसके जो सेंट इसका जो एक्सिस है इसके जो लेटरल डायमेंशन का, एक मान लीजिए कालम है जिसका लेंथ या जिसकी हाइट h है, कालम की हाइट h है या l भी कह सकते हैं। तो अगर इसका दो दो एक्सिस जा रहा है, x x एक्सिस और y y एक्सिस, तो अगर जो लोड लगा है, लोड जो इन दोनों कोइंसाइड करता हो, लोड जहाँ ये कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों एक्सिस, वहाँ पे अगर ये लोड लगा है तो इस टाइप के कालम को बोलते हैं एक्चुअली लोडेड कालम। ठीक। दूसरा होता है एसेंट्रिक लोडेड कालम। तो द लोड व्हिच लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट कोइंसाइड द एक्सिस ऑफ द कालम। तो अगर ये पी जो है लोड, ये कोइंसाइड नहीं करता, मतलब इन दोनों एक्सिस के कहीं अलग लगता, कहीं कहीं भी लगता किसी भी डिस्टेंस पे एक्सिस से, तो वो एक्सेंट्रिक लोडेड कालम होता। तो जो डिस्टेंस होता है, तो एक्सिस से उसका डिस्टेंस होता है स्मॉल ई, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो अगर एक्चुअली लोडेड कालम होगा तो इस पी की वजह से जो भी स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा वो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस अगेंस्ट द पंचिंग होता है, मतलब कि शीयर के अगेंस्ट में ये जो होता है स्ट्रेस जो इसके अंदर डेवलप होगा वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस होता है पी बाई ए, फोर्स इंटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस मतलब जो होता है बेंडिंग के अगेंस्ट जो स्ट्रेस आए। अगर ये एसेंट्रिक लोडेड कॉलम होता तो ये जो है इसकी टेंडेंसी होती है इसके लेंथ के अलावा कहीं किसी पॉइंट से बेंड होने की भी टेंडेंसी रखता, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आते हैं। तो एसेंट्रिक लोडेड जब कॉलम होता है तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस भी आता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो ये जो होता है दोनों स्ट्रेसेस लगते हैं एसेंट्रिक लोडेड कॉलम में, तो उसमें जो होता है सिग्मा जो होगा वो होता है सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। अब प्लस माइनस इस वजह से भी है कि कभी कभार होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो और कभी कभार होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द लोड और मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। तो सिग्मा डी जो होगा वो होगा पी वाई ए, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस पी वाई ए एंड बेंडिंग स्ट्रेस एम बाई जेड, जो बेंडिंग इक्वेशन से आता है एम बाई जेड। यहाँ मैं अलग से भी बता देता हूँ कि एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ से अगर सिग्मा निकालें जो कि बेंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा जो होगा वो होगा एम इंटू वाई अपान आई, इसको हम लिख सकते हैं एम अपान आई बाई वाई, एम अपान आई वाई वाई मीन्स जेड। तो ये जो होता है सिग्मा बी इज इक्वल टू होता है आपका एम बाई जेड। तो ये यहाँ आपका एम बाई जेड, जो इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेस डेवलप होता है एसेंट्रिक लोडेड कॉलम में वो होता है इन दोनों का एडिशन, मतलब कि पी बाई ए प्लस एम बाई जेड। तो ये होता है कंप्रेसिव, क्योंकि अगर ये पी वाई जेड होता है तो पी वाई जेड क्या, सॉरी पी वाई ए होगा जो स्ट्रेस होता है, ये क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जो नीचे की तरफ कंप्रेस होने की टेंडेंसी रखेगा। और ये एम वाई जेड भी अगर इसके साथ ऐड होता है तो ये भी टोटल मिला के कंप्रेसिव स्ट्रेस रिजल्टेंट हो जाता है। और सेम अपार्ट पी वाई ए माइनस एम वाई जेड टेंसाइल होता है और इसको बोलता है मिनिमम स्ट्रेसेस वाई एसेंट्रिक लोड आर एक्टिव। अब कंडीशन फॉर नो टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझिए कि कंडीशन फॉर नो टेंशन क्या है, कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस ना आए। क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, कंप्रेसिव लोड जब लगते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें आएगा,
तो उसकी वजह से जो है बियरिंग कैपेसिटी जो होगी सॉइल की